सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं आपको, केवल आप ही नहीं बल्कि देश, दुनिया और देश के तमाम लोग जानते हैं। आपने देश में भाजपा पार्टी का नाम तो सुना ही होगा और उससे भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। लेकिन पता है दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद भी आखिर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो नरेंद्र मोदी के बारे में लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी से ऐसी कुछ रोचक बातें जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगी। दोस्तों, रोचक बातें तो यह है कि सभी नरेंद्र मोदी के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई ऐसी पांच रोचक बातें जो आज तक आप भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, पहली बात की शुरुआत करेंगे हम नरेंद्र मोदी के जन्म से। पहली बात, नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के बड़नगर में 17 सितंबर को 1950 को हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी माता का नाम हीराबेन था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी कितने भाई और बहन थे और नरेंद्र मोदी कितने नंबर के संतान थे? तो ज़रा बता दें कि दोस्तों कि दूसरी बात तो इसी से संबंधित है। दूसरी बात, नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने 5 भाई बहनों में यह दूसरे नंबर के संतान थे। जी हाँ, मुझे पता है आपको यह बात बिल्कुल भी पता नहीं रही होगी। दोस्तों, अगर आपको यह बात पता थी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हाँ लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर बात करें बचपन में तो बचपन के नाम सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कोई पूछे तो आप सिद्धार्थ बता सकते हैं। अगर कोई स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम पूछे तो आप मूल शंकर बता सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी के बचपन का नाम क्या था? जी हाँ, तीसरी बात भी इसी सी बात से संबंधित है। तो आपको बता दे दोस्तों कि बचपन में नरेंद्र मोदी को उनके माता पिता उन्हें प्यार से नरिया कहकर पुकारा करते थे। जी हाँ, क्या आपको यह बात पता थी? आपको यह बात पता थी या अगर बात आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में हाँ लिखना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, चौथी बात बहुत ही रोचक है, जिस प्रधानमंत्री को अभी सभी चाय वाला बुलाते हैं। दरअसल चौथी बात भी इसी से जुड़ी है। आपको चौथी बात तो बता दे दोस्तों आपको कि नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तो उनके पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और बाद में जब नरेंद्र मोदी बड़े हुए तो उन्हें चाय वाला लोग बुलाने लगे। कितनी अजीब बात है ना। पता है दोस्तों, 1965 के दौरान जब युद्ध हुआ था तो स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेनों में बैठे सैनिकों को नरेंद्र मोदी ने चाय पिलाई थी। जी हाँ दोस्तों, जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तो किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को पढ़ना पसंद होता है, तो किसी को रोना पसंद होता है या वगैरह वगैरह। लेकिन पता है दोस्तों, जब मोदी बचपन में छोटे थे तो यह बाकी अलग बच्चों से बहुत ही अलग रहते थे। दोस्तों बता दें कि पांचवी बात भी इसी से जुड़ी है। पांचवी बात, पता है दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो इनके स्कूल का नाम भागवताचार्य नारायणाचार्य था। दोस्तों पता है, स्कूल में उतनी तेज बच्चों में से नरेंद्र मोदी नहीं आते थे, यह बिल्कुल औसतन बच्चों में आया करते थे। मतलब ज़्यादा पढ़ने में तेज भी नहीं थे और ज़्यादा पढ़ने में कम भी नहीं थे। यह अलग बात तो आपको यह लगेगी कि आपको इन्हें बचपन में एक्टिंग करने का शौक था। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी बचपन के दिनों में वाद विवाद नाटक खेल आदि में भाग भी लिया करते थे और बहुत सारे पुरस्कार को भी इन्होंने जीता था। पता है, एक बार की बात है कि बचपन के दिनों में वो एक किसी तालाब के एक घड़ियाल का छोटा सा बच्चा पकड़कर लाए थे, लेकिन माँ के कहे जाने पर वो तालाब में फिर से उसे दोबारा छोड़ भी आए थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाँ लिखें और आपको कितनी बातें इसमें से पता थी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी बचपन में ही सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन इस वीडियो को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।